रश्मि, आज मैं आप लोगों के लिए चिली फिश लेके आ रही हूँ और ये देखने में जितना डिलीशियस है और खाने में भी उससे कई ज़्यादा अच्छा है। और ये ज़्यादा खास करके नॉन वेजिटेरियन लोगों का फेवरेट डिश है और खास करके मेरा भी ये बहुत फेवरेट है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए आज ये बना रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मेरे किचन में अब शुरू करते हैं। चिली फिश बना रही हूँ। चिली फिश बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम फिश ले रखी हूँ, 2 स्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर, 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 स्पून लेमन जूस, 1/2 स्पून गरम मसाला, 1 स्पून चिली पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट और ब्लैक पेपर अकॉर्डिंग टू टेस्ट। बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने फिश ऑलरेडी ले लिया है, ये ऑलरेडी पहले से मैंने इसको वॉश करके रखी थी, अभी मैं इसमें पहले हल्दी ऐड कर रही हूँ। देखिए 1/2 स्पून हल्दी, देन थोड़ा सा 1/2 स्पून गरम मसाला, देन ये जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और यहाँ पे लेमन जूस 2 स्पून, देन सॉल्ट ऐड कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट, देन ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा 1/2 स्पून डालते हैं, कॉर्नफ्लोर चलो ये अभी सब कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको मिक्स करके मैं इसको अच्छे से, देखिए सब कुछ मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखी हूँ, इसको अच्छे से मिक्स करके आधा घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए हम छोड़ देंगे। आधा घंटे के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अभी बिल्कुल तैयार हो चुका है, देखिए मैरिनेशन के लिए अभी हम इसको आधा घंटा के लिए साइड करके रख देंगे। अब 30 मिनट्स के बाद हमारा मैरिनेशन तैयार है, अब इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। अब हमें ऑयल डाल रही हूँ, देखिए ऑयल थोड़ा गर्म होने दीजिए, जब ऑयल गर्म हो जाएगा फिर हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए मेरा हमारा तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें फिश को फ्राई करेंगे। अब जब फिश फ्राई करेंगे तो फिर धीरे हम अपना गैस का फ्लेम भी कम कर देंगे। वन साइड पकने के लिए हमको 3-4 मिनट लगा, अभी हम इसको टर्न करते हैं। तो लो मीडियम में ही पकाते रहेंगे और 3-4 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब देखिए फिश बिल्कुल तैयार हो चुका है, दोनों साइड रेडी रेडी हो गया है, अभी हम इसको किचन टॉवल में निकाल लेंगे। इसको कलर ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी कलर होनी चाहिए, क्रंची भी होना, क्रंचीपन होना चाहिए फिश फ्राई में।
अब हम इसी तरह जो दूसरा पीस बचा हुआ है उसको भी ऐसे हम फ्राई कर लेंगे। तो फिर 3 to 4 मिनट हम छोड़ देंगे। आफ्टर 3 to 4 मिनट इसको हम सर्व करेंगे। अब मैंने सारे फिश को फ्राई कर लिया है और ऐसे ही आपको भी ऐसे ही फ्राई करनी है। अब हम एक सॉस का मिक्सर बनाएंगे। इसमें हम चिली सॉस, सोया सॉस और टमाटो केचप ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने 2 स्पून। अब मैं चिली सॉस भी 2 स्पून ले रही हूँ। आप भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 1 स्पून सोया सॉस ले रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस मिक्सचर को बिल्कुल अच्छे से फेंट लेंगे क्योंकि तीनों सॉस अच्छे से मिल जाएंगे। देखिए अब ये सॉस ऐसे बन के तैयार हो गया। आपको भी ऐसे सॉस बनानी है। अब इसको मैं साइड कर रही हूँ। और चलिए हम अपना पीस के लिए 2 अनियन ऐसे ही कटिंग करके रखी हूँ। देखिए आप लोग, आपको भी ऐसे ही कटिंग करके रखना है। ऐसे क्यूब शेप में कटिंग करके रखना है। और यहाँ पे मैंने 3 चिलीज लिया है, इसको भी ऐसे ही कटिंग करना है। और 1 शिमला मिर्ची भी लिया है, इसको भी इस साइज़ की कटिंग करनी है, क्यूब शेप में कटिंग करनी है। इसको फ्राई किया था। फ्राई करने के बाद इतना तेल बचा हुआ है, इसी ऑयल से हम अब इसका आगे प्रोसेस शुरू करेंगे। पैन तो मेरा ऑलरेडी हीट है, अब हम इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं। अब ऑयल को थोड़ी देर में अब हम चिली ऐड कर रहे हैं। और चिली ऐड करने के बाद थोड़ी देर उसको फ्राई कीजिए, फिर उसके बाद हम शिमला मिर्ची ऐड करेंगे। और शिमला मिर्ची को थोड़ा सा स्टेयर करेंगे। स्टेयर करने के बाद थोड़ी देर वेट कीजिए। शिमला मिर्ची में ऑनियन ऐड करेंगे। ये ऑनियन, चिली और शिमला मिर्ची तीनों को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। कम से कम 4 to 5 मिनट इसको हमको फ्राई करना है। मिक्सर अपना देखिए अभी गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। आपको भी ऐसे गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करनी है। फिर हम इसमें पहले से जो सॉस का मिक्सर तैयार किए थे उसी को ऐड करेंगे। और उसके बाद कश्मीरी रेड चिली मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास कश्मीरी रेड चिली नहीं है तो सिंपल रेड चिली पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद गरम मसाला ऐड कीजिए, देन ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कीजिए। अब हम सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे, हम बाद में ऐड करेंगे क्योंकि पहले से हम सॉल्ट ऐड कर रखे थे और जितना ज़रूरत है हम उसी इतना और सॉल्ट देख के यूज़ करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब देखिए ये मिक्सर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर ये आपको ज़्यादा थिक लग रहा है इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने के बाद हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। देखिए ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इस स्टेज में हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। टेस्ट के हिसाब से जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही हम सॉल्ट ऐड करेंगे। ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। देन हम उसके बाद इसमें चीज़ ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब देखिए अभी जो मैंने पीस ऐड कर दिया कितना अच्छा लग रहा है और देखने में कितना डिलीशियस है और खाने में भी उतना अच्छा और टेस्टी होगा। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम हम अब गैस अब बंद कर देंगे और बारी है इसे गर्मा गर्म सर्व करने की। ये चिली फेस बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको प्लेटिंग करने जा रही हूँ। अब देखिए कितना अच्छा और प्यारा लग रहा है। आप लोग इसको घर में बनाइए और टेस्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। में बनाइए और टेस्ट कीजिए और देखिए कैसा लग रहा है।